वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। खुशी हो रही कि शिवा सलूट के कॉन्सेप्ट शिवा हमारे ब्रदर उन्होंने आज यहाँ से सलून चालू किया है। एक आर्मी थीम पे उन्होंने एक सलून की पूरी थीम बनाई हुई है और बहुत ही अच्छा लगा। और आज जिनके हाथों से इनॉग्रेशन हुआ उनका भी मैं धन्यवाद मानता हूँ और एक पूरा सलून आर्मी के सभी जवानों को समर्पित करता हूँ। ये भी कहना चाहूंगा कि मुंबई का जो माहौल है कोरोना काफी कंट्रोल में है, लोकल ट्रेन को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, तो कुछ बता सकते हैं अगर आगे भविष्य में? मैं कल ही सीएम साहब से उसके बारे में कैबिनेट में बात हुई है और उसके बारे में जो जिन्होंने डबल डोज लिया है उनके बारे में सीएम साहब जल्दी निर्णय लेंगे और जिन लोगों ने डबल डोज लिया उनको लोकल ट्रेन में अलाउ करने का निर्णय जल्दी लिया जाएगा। इसके अलावा आम जो जितने भी लोग हैं, जितने भी छोटे बिजनेस हैं, उनको भी काफी तकलीफ हो रही होगी कि टाइमिंग्स को लेकर जो है चार बजे तक, उसके बारे में बताइए। नहीं, उसके बारे में उनके भी जो रिप्रेजेंटेशन आए थे तो उसके बारे में सीएम साहब एक पूरा नई ब्रेक द चेन जो अपना उनका कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से लोकल ट्रेन से लेके जितने भी व्यापारी है उनकी जो भी सजेशन है उस हिसाब से एक नई गाइडलाइन आने वाले 2-3 दिन में लोगों के सामने रखेंगे। ये डिफिकल्ट है लेकिन अभी थर्ड वेव के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के भी गाइडलाइन थी, वो गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट फॉलो कर रही थी, लेकिन अभी थर्ड वेव में जितने भी डबल डोज जिन्होंने लिए उनके बारे में एक विचार करने का, अभी पॉजिटिव विचार करने का स्टेट गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है। 2-3 दिन में उसकी गाइडलाइन लोगों के सामने रखेंगे। काफी बड़ा अचीवमेंट है, काफी साल से इस फील्ड में, तो क्या करना चाहेंगे इनके बारे में एज अ पर्सन, एज अ क्रिएटिव पर्सन? इज आई एम वेल नोन टू हिम, इज माय पर्सनल फ्रेंड, दैट्स व्हाई आई एम हियर। जो इधर का एमबीएस इन्होंने जो बनाया है बहुत बढ़िया एमबीएस बनाया है, जगह भी बहुत, काफी सिलेक्शन भी अच्छा है, इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, लोगों को भी बहुत अच्छा सर्विस तो ये तो पहले से दे ही रहे, लेकिन अभी भी इसमें इनको और भी लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू, बेस्ट विशेष, थैंक यू। एक्चुअली आई लाइक द स्कीम, द थीम ऑफ इट, एंड आई व्हेन आई हर्ड अबाउट इट इनिशियली आई वॉज लिटल बिट पजल्ड बिकॉज द ओल्ड लेडी लाइक मी what she will do coming over here for inauguration. But when I heard it, then I thought that it is their way of showing the honor and respect towards the uniform people. So many times we feel it. We can't go on the border, but idhar rehke inhone je ye naya banaya hai, bahut acha lag raha hai. Kyunki so many times we feel that people forget us. Once the sacrifice is done,
इनिशियली ऑल द पीपल से जय हिंद अमर रहे और बाद में सारे भूल जाते हैं, फिर भी ऐसा नहीं है. और आजकल इसकी बहुत ज़रूरत भी है, क्योंकि ईच एंड एवरी वन, स्मॉल वन, एल्डर वन, फ्रॉम द विलेज, फ्रॉम द सिटी, एवरी वन लुक्स टू बी मोर अट्रैक्टिव, मोर नाइस. ही वॉन्ट्स टू कैरी हिमसेल्फ वेरी नाइसली. रिगार्डिंग हेयर स्टाइल एंड ऑल दिस थिंग्स वी आर वेरी वेरी कॉशियस. So he is doing a great service to the society. I must thank him. नहीं नहीं, उनको आपको उनको डिस्काउंट तो मिलेगा ही है. और जितों से भी अपने को दिल से तन मन से मतलब अपन उनको सल्यूट करते हैं. एक बहुत छोटे से बचपन से था मुझे ऐसा कुछ करना है, कुछ करना है. ये आज मेरा 22 आउटलेट है. ये फर्स्ट टाइम अपने सेवा सल्यूट करके इसमें स्टार्ट किया है. सब लोग सब मेहमान लोग आए हैं. थैंक यू सो मच. अपना पहले जैसे बहुत बड़े हैं अलग-अलग ट्रेंड. हाँ जी सर, ये अभी ट्रेंड है. पूरा स्पोर्ट्स मैन लोग भी पूरा हेयर कट पूरा आर्मी जैसे शॉर्ट करके दाढ़ी बढ़ा के थोड़ा उसमें भी थोड़ा डिफरेंट फेदर कट, फेड कट, सब अलग अलग स्टाइल कराते हैं. हाँ यस सर, यस सर, आई एम हैप्पी. मतलब यहाँ पे क्राउड आएंगे. अभी से बहुत इंक्वायरी स्टार्ट हुआ है. बहुत लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि अपना 33 ईयर्स हो गया ये फील्ड में. उसकी वजह से सब लोग को मालूम है, शिवा को जानते हैं सब लोग. थैंक यू. हम उम्मीद करते हैं और कांग्रेचुलेशन कि आप आगे और बहुत सारी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर. शिवा को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि जिस तरह उन्होंने आज 2200 अंक का सैलून खुला है यहाँ पे. बहुत ही बधाई. और अलग स्टाइल, अलग कट्स देते, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो, बॉलीवुड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, पॉलिटिशियन हो. मेरे ख्याल से उनका अचीवमेंट, उनका स्किल इतना अच्छा है कि पीपल उनके काम को सराहते हैं. और मैं उनको 20-22 साल से जानता हूँ. आज ही उनका 2200 सैलून खुला है, तो बहुत बहुत बधाई दूंगा बड़े दिल से. मेरी आने वाली प्रोजेक्ट है इंडिया लॉकडाउन, जिसमें प्रतीक बब्बर, साई तमनकर, श्वेता बासु प्रसाद, प्रकाश बिलवाड़ी, आहना कुमरा है. वो रिलीज़ की अभी मैंने एडिट ख़त्म किया है, क्योंकि बीच में लॉकडाउन था तो मैं कुछ नहीं कर पाया. तो एडिट अभी मैंने ख़त्म किया है. तो 2-3 महीने में डिसाइड करूँगा उसको OTT प्लेटफॉर्म में रखना है, थिएटर में रखना है. थिएटर की भी सिचुएशन देखेंगे. सिचुएशन ख़राब ही थिएटर की, पता नहीं कब खुलेगा बोल के. तो जिस तरह मैं और प्रोड्यूसर डिसाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स के हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे कि इंडिया लॉकडाउन को थिएटर में लगाना है या OTT पर रिलीज करना. क्या क्या रहेगा उसका जिस्ट यही है, पहलू यही इंडिया लॉकडाउन में, कि चार स्टोरी है, अलग अलग स्टोरी है, चार अलग अलग रियलिस्टिक पैटर्न की फिल्म है, जिस तरह मेरी फिल्में होती है. उसके अंदर मैंने ये दिखाया है कि किस तरह से पहले लॉकडाउन में लोग ने जूझे, लोग लड़े, किस तरह से अपनी अपनी परिस्थिति, ह्यूमन स्टोरी है, वो सबको कनेक्ट करेगी. चाहे वो सेक्स वर्कर हो कामाटीपुरा के, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर हो यहाँ से जो गांव जा रहे हैं अपने, चाहे एक आदमी अकेला अपने घर में रहा हो, चाहे एक एरोस्टिस की कहानी है कि किस तरह से वो रह रही है अपनी लाइफ में. तो बहुत ही अलग अलग एस्पेक्ट की स्टोरी है, बहुत ही अच्छी है, बढ़िया है, अच्छा परफॉर्मेंस है सब एक्टर्स का. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से लोगों ने बाकी मेरा काम पसंद किया इतने सालों में, चाहे कमर्शियली, क्रिटिकली या राष्ट्र पुरस्कार के तौर पे, उतना ही बेहतरीन से इंडिया लॉकडाउन भी पसंद करे. आखिरी सवाल, आप क्या चाहते हैं? डू यू वांट टू बी रिलीज इन थिएटर? देखिए, फिल्म तो हम थिएटर के लिए बनाते हैं और हम चाहता हूँ कि थिएटर में रिलीज होए, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी है, कोरोना है, पूरा देश में आपको पता है क्या चल रहा है, कि जिस तरह से थिएटर्स खुले नहीं है, मॉल्स खुले नहीं है, तो जो सिचुएशन है उसके हिसाब से देखना पड़ता है. हालांकि हमारे हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड ओवर में ऐसा है, सब थिएटर्स बंद है सब जगह, तो देखना पड़ेगा हम लोगों को क्या है. शिवा सल्यूट फर्स्ट टाइम किया है. नहीं, हिंदी और इंग्लिश. हिंदी में. हिंदी.
नमस्कार, मैं कर्नल एके शर्मा, मैं यहाँ पे आज शिवा सलूट के उद्घाटन में आया हूँ। ये आज हमारे साथ ये शिवा खड़े हैं जिनका सफ़र आज से 33 साल पहले शुरू हुआ था। ये अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं। इनका कॉरपोरेट पॉलिटिकल और बॉलीवुड में बहुत नाम है। ये हमारी यहाँ की जो महाराष्ट्र की फर्स्ट फैमिली है, श्री बाला साहब ठाकरे, प्रेंट चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे श्री आदित्य ठाकरे जी के, उनके फैमिली के हेड ड्रेसर हैं। और अभी हमारे जो प्रेंट गवर्नर हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी साहब, उनके भी ये हैं। इन्होंने अपनी बुक्स भी लॉन्च की हैं। तो बुक्स का जो उद्घाटन था इंग्लिश में, वो श्री हमारे अमिताभ बच्चन जी ने किया था, ऐसे मराठी में श्री आदित्य ठाकरे में, और ये कर्नाटका को बिलोंग करते हैं तो इन्होंने कन्नड़ भाषा में भी बुक लिखी है। ये आज अपनी गाथा को आगे बढ़ाते हुए, इनका 22nd सलून है, बॉम्बे में है, मैंगलोर में भी है। शिवा हेयर डिज़ाइनर लिमिटेड आज एक कदम आगे बढ़ रहा है। शिवा सल्यूट, ये जो जहाँ पे भी हम खड़े हैं अभी आप देख रहे हैं, ये शिवा सल्यूट का नाम, ये हमारे जो मेरे जैसे जो आर्म फोर्सेस से, आर्मी के, नेवी के, एयर फोर्स के वेटरन्स और अभी जो सर्विंग जवान JCOs जो भी कर रहे हैं, उनके लिए इनकी अपनी तरफ से एक सल्यूट है। ये भी आप देख रहे होंगे, ये जो बच्चे हैं ये अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा नया काम कर रहे हैं। ये बच्चे अभी आर्मी अटायर में हैं, पूरी तो नहीं कर सकते बट टाइप, जैसे अभी देख रहे हैं हमारा जो इंडिया, हमारी जो कंट्री है, हमें, मैं बॉम्बे में, मैं यहाँ से कुलाबा से मेरी रिटायरमेंट हुई थी तो वहाँ हम स्पेशली बॉम्बे में, मुंबई में और साउथ में अपनी जो आर्म फोर्सेस के बारे में लोगों को बहुत कम पता है। अगर नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पे हर घर से वहाँ पे हैं तो सभी को पता है। Glad to be here today at Shivaj Salute, and is one of the major dream project of Shivaj since I know him for last 20 years. And he was always dreaming that he should do something for the country, for the defense forces specifically, after such a high stint of defense in the country. In last 3 years, he has been wanting that he should do something which he really wants to contribute to the defense. So finally, here we are at the complete creation of the idea into a realistic happening today, and that is salute. We salute the defense forces. We have ex-Navy, ex-Army with us, and we are actually wanting to contribute, what Shiva's idea is, to contribute some part of the revenue to the armed forces, like the Army Welfare Wives Association and the Vedar Armed Forces contribution to the Armed Forces Welfare Association. Under that context, I think this is a very fantastic move and a highly privileged move to, you know, a very dedicated move, in fact, sincerity towards the country. And I would really like to congratulate Dr. Shiva on this wonderful idea and brainstorm, which he always comes out with something really creative. So congratulations once again to all of y'all also for being a part of this dedication to the nation, I would say, as what salute means to all together. Thanks. I'll seek it out. Myself, C.K. Davar, from ex-Indian Navy. It was very pleasing to note
that Dr. Shivaji, Mr. Shiva, is really blessed by Almighty, not only by his name Shiva, but the way he has given shape to his good thinking, positive, affirmative thinking, and especially for the defense forces who really guards the country. And I wish them great and grand success in their projects and wish him all the best. God bless their family.